हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं गुरुनीति में अपना 30th एपिसोड, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे 3D के क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला गया है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस पार्ट। आपको क्या करना है, एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों प्लेनों के इंटरसेक्शन से पास होती है और इस गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, इस ऑल थ्री प्लेन्स को आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, उससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आर वेक्टर को अपन क्या लेट करेंगे, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। तो क्या आ गया, देखो ये आ गया 2x माइनस 3y माइनस 3y प्लस 4z प्लस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकंड की बात करोगे सर तो क्या आ गया, x माइनस y प्लस 4 इक्वल 0। ये आपकी टू प्लेनर लेट p1 एंड p2। अब एक क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन, दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या लिखोगे, फैमिली ऑफ प्लेन से p1 प्लस लैम्डा p2 लैम्डा टाइम्स ऑफ p2 इक्वल टू 0 0। तो p1 p2 की वैल्यू पुट कर देते तो क्या आ गया, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस y प्लस 4x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। हां, तो उसके बाद देखो क्या करना है, तो ये प्लेन आपका अगले प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो टू प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो ये अपन को करना है। तो देखो क्या आ गया, पहले इस प्लेन को लिखते हैं अपन 2 प्लस लैम्डा इनटू x प्लस लैम्डा इनटू x, फिर आ गया माइनस 3 माइनस 3 माइनस लैम्डा हाँ इनटू y प्लस 4 प्लस बस ओनली 4z है, इसमें z है z 4z माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा 4 लैम्डा इक्वल टू 0। अब क्या बोला गया कि ये जो प्लेन है आपका वो एक थर्ड प्लेन गिवन है, इसको भी आप क्या करो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या सिंपल कि इस प्लेन के जो नॉर्मल के DRS हैं ABC और इस प्लेन के नॉर्मल के DRS क्या है 2 माइनस 1 माइनस 1, इनका A1 A2 B1 B2 C1 0 क्या करना 0। तो क्या जाएगा, देखो 2 प्लस लैम्डा इनटू 2 तो ट्वाइस ऑफ 2 प्लस लैम्डा इनटू माइनस 1 माइनस 1 इनटू इसमें क्या होगा माइनस लैम्डा, तो माइनस 3 माइनस लैम्डा तो माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस आ गए बिल्कुल सर, और प्लस 1 को करना है 4 से तो प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देन इससे आप लैम्डा की वैल्यू क्या करोगे फाइंड आउट, 2 लैम्डा और लैम्डा आ गया 3 लैम्डा और 4 11 और 3 7 प्लस 4 इक्वल टू आ गया माइनस 11। तो देन लैम्डा इक्वल टू आ गया माइनस के 11/3। अब आप इस लैम्डा की वैल्यू को सिंपल इसमें पुट कर दो, इसमें जो भी है तो इसमें पुट कर देते हैं, तो ये तो माइनस के 11/3 पुट करोगे तो देखो क्या आ गया, 3 से मल्टीप्लाई तो 6x माइनस के 11x तो माइनस के 5x आ गया बिल्कुल, और अगेन 3 को इससे करोगे तो माइनस के 9y और प्लस के 11y माइनस 2 तो प्लस के 2y आ गया माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, और अगला क्या होगा, 3 को करोगे तो 12z तो प्लस 12z माइनस 3 और माइनस 14 माइनस 47 इक्वल, ये आपके प्लेन की इक्वेशन होगी। तो चलो देखते हैं, तो 5x माइनस 2y तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला गया, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, द लाइंस। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने को लाइंस दे रखी हैं x इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी एंड ए, तो अपने को क्या दिखाया है, अपने को जो फॉर्म दे रखी है ना लाइंस की वो अनसिमेट्रिक दे रखी है, तो अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिमेट्रिक फॉर्म, और कह रहा है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये क्या आपस में परपेंडिकुलर है, तो बताओ कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, तो ये जो लाइंस है इनको अपन किस फॉर्म में चेंज कर लें, सिमेट्रिक फॉर्म में। तो कैसे करेंगे अपन, x इक्वल टू लिखा हुआ है ए वाई प्लस बी, तो एक काम करते हैं अपन इसको सीधे कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना, बी को चलो
तो ये आ जाएगा x माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू y, और यहां से आ रहा है अपने पास z माइनस डी अपॉन सी इक्वल्स टू y। तो अपने पास इक्वेशन होंगी x माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू y अपॉन वन इक्वल टू z माइनस डी अपॉन सी सी। तो ये तो बात हो गई लाइन नंबर वन, इसको अपन बोलते हैं लाइन फर्स्ट, फर्स्ट लाइन। अगले में ओनली डैश लगाना आपको बस। L2 में क्या हो जाएगा, सिंपल x माइनस b डैश अपॉन a डैश, a डैश इक्वल्स टू y अपॉन वन, y अपॉन वन, z माइनस d डैश अपॉन c डैश। तो ये आ गया अपना कौन, L2। अब L2 आ गया, L1 आ गया, एंड ही सेइंग दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हो गया, जो इनके dr से हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं क्या, a a1 plus a dash plus 1 into 1 1 हो जाएगा plus c into c dash equal to क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि a a dash plus c c dash equal to क्या आ रहा है, minus 1। So option number second is correct, ठीक है। चलो next देखते हैं, if the angle between the line this part and the plane this part is cos inverse this part then find the value of length। तो एक line और plane के between angle का formula क्या होगा, sin theta equal to al plus bm plus cn upon root of sigma a square और root of sigma a square। ये element b में abc की तरह काम करके ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये क्या है, x upon 1 है। तो लाइन की तो drs क्या 1 2 लैम्डा और उसके हैं 1 2 3। तो जब आप पुट करोगे तो बेटा इससे क्या आ गया, देखो 1 into 1 तो 1 आ गया, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 लैम्डा अपॉन अपॉन रूट ऑफ 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर रूट 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर और ये आ गया 9 10 रूट 14, ठीक है, बिल्कुल रूट 14। ये आपके पास आ गया sin थीटा। आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए, काम करते हैं, आपको उनके बिटवीन एंगल गिवन है थीटा इक्वल टू cos इनवर्स रूट 5 / 14। तो इससे cos थीटा क्या जाएगा, रूट 5 / रूट 14। तो देन इससे sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर ये थीटा है तो ये रूट 5 है, ये रूट 14 है, तो ये क्या जाएगा 3। तो देन sin थीटा आ गया 3 / रूट 14। तो इसको क्या लिख दोगे, 3 / रूट 14। तो देन 14 तो 14 कैंसिल आउट और ये आ गया 5 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू सिंपल 5 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग कर दें, बिल्कुल। तो 25 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 30 लैम्डा इक्वल टू 15 45 या 9 45 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल। तो देन 30 लैम्डा इक्वल टू आ गया 45 30 ना 20 हो जाएगा, 20 हो गया ना। तो लैम्डा जाएगा आपका 2 अपॉन 3 आ जाएगा, 3। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 2 अपॉन 3 आ जाएगी। तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हां तो क्वेश्चन फोर्थ में क्या कह रहा है ये, द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन l + m + n = 0 एंड L square equal to m square plus n square। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने को ये पता है कि दो लाइंस हैं और उन लाइंस के जो डायरेक्शन कोसाइन हैं वो क्या है, रिलेटेड है इस कंडीशन के साथ, ठीक है। तो अपन क्या करें, सबसे पहले तो उसे डायरेक्शन कोसाइन निकालने की कोशिश करते हैं ना। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए अपन क्या करें, देखो L square equal to क्या है, m square plus m square। तो यहां से मैं L की वैल्यू उठा के यहां रख दूं तो अपने को क्या होगा, L और m में क्या मिल जाएगा, एक और रिलेशन आ जाएगा। तो L equals to यहां से आ गया माइनस ऑफ m plus n। तो इसको आई एम गोइंग टू पुट हियर, तो क्या हो जाएगा यहां से, माइनस ऑफ एम प्लस एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आगे चलते हैं, तो आपको पता है स्क्वायरिंग में क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एम एन क्या बचेगा, यस बस 2mn बचेगा, 2mn इक्वल्स टू क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, दो बातें हो रही है ना, या तो क्या होगा आइदर m विल बी 0 और n इक्वल्स टू 0। तो जब m इक्वल्स टू 0 होगा तो देखो यहां पुट करो m equal to 0 तो l equal to क्या आ गया, m को 0 पुट करने पे इससे l equals to l equal to minus n, मतलब ये रेशो आ गया l upon 1 equal to m upon 0 equal to n upon 1, ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक लाइन के जो drs है वो तो dcs dc क्योंकि रेशो है ना, तो 1 0 minus 1 और अगले में क्या लोगे सर, n को 0 0 उसमें अगेन सेम ही होगा और क्या माइनस m, हां उल्टा हो जाएगा, l upon 1 equal to m upon minus 1 equal to n upon 0। तो ये आपको टू लाइंस के abc गिवन है, तो क्या करना है आपको, एंगल बिटवीन देम। तो सिंपल वही cos theta का cos theta equal to a1 क्या आएगा, cos theta equal to
वन अपॉन, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो वन अपॉन आ गया रूट टू रूट टू, तो वन अपॉन टू आ गया, तो वन बाई टू हो जाएगा, वन बाई टू होती है पाई बाई थ्री, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस पार्ट फ्रॉम द प्लेन दिस पार्ट मेजर्ड अलोंग द लाइन दिस पार्ट, क्या बोला गया क्वेश्चन में, आपको इस पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है पी वन कोमा माइनस फाइव कोमा नाइन की, एक प्लेन से क्या फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस, और ये प्लेन गिवन है दिस पार्ट, और क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इस पॉइंट की इस प्लेन से दो चीज हो सकती है, एक तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट क्वेश्चन ने बोला गया इसकी गिवन लाइन के अलोंग डिस्टेंस को करना है फाइंड आउट। तो देखो बेटा जो लाइन गिवन है आपकी, वो लाइन और प्लेन बोथ आर नॉट पैरेलल नाइदर परपेंडिकुलर, ये प्लेन और लाइन एक दूसरे को क्या करती है इंटरसेक्ट, क्योंकि इनका a1 a2 plus b1 v2 plus c1 c2 0 0 नहीं है ना, मतलब ये जो लाइन गिवन है ये लाइन इसको क्या करेगी प्लेन को इंटरसेक्ट। चलो रफली अपन डायग्राम बना लेते हैं ऐसे कि जैसे लेट ये लाइन आपकी ऐसे है, ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x upon 1 equal to y upon 1 equal to z upon 1 z upon 1, तो अब देन आपको क्या करना है, इस पॉइंट की प्लेन से आपको इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, सॉरी प्लेन की पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस को करना है फाइंड आउट मेजर्ड अलोंग दी लाइन, मेजर्ड अलोंग दी लाइन का मीनिंग इस लाइन के पैरेलल अलोंग ये डिस्टेंस आपको करनी है फाइंड आउट। तो सिंपल सी बात है, अगर ये पॉइंट m पता चल जाए तो pm डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो उसका क्या प्रोसीजर है, ये जो pm लाइन है वो इस लाइन की अलोंग है, इसका मतलब इसके जो drs हैं वो भी क्या होंगे 1 1 1, तो आप एक काम करो इस पॉइंट से पास होने वाली और जिसके drs गिवन है, तो आप सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ pm इज इक्वेशन ऑफ pm इज x minus 1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus 9 upon 1। ये लाइन की इक्वेशन आने के बाद क्या करना है, इस पॉइंट से आप क्या करो r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेट करो m, तो उसको क्या करें इक्वल टू r, बिल्कुल, तो इक्वल टू r करने के बाद लेट पॉइंट m क्या जाएगा r से मल्टीप्लाई, तो ये आगे सर r प्लस 1 कोमा r माइनस 5 कलर चेंज r प्लस r 9, तो ये क्या करेगा इसको सेटिस्फाई, ये आने के बाद पॉइंट m लाइज ऑन दी प्लेन, पॉइंट m आपका प्लेन पे लाई करता है, तो इस पॉइंट m को इस प्लेन में पुट कर दो, तो देखो x की जगह तो आ गया r प्लस 1 माइनस r माइनस, तो माइनस r प्लस 5 प्लस r प्लस 1 प्लस r प्लस 9 इक्वल टू 5, तो देन r से 1 r कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो देन r इक्वल टू आ गया सर माइनस k माइनस 10 10 आ जाएगा, r को जो माइनस 10 पुट करोगे तो आपका पॉइंट क्या आ गया m इक्वल टू पॉइंट को r को माइनस 10 लेने पे माइनस k 9 माइनस k 15 कोमा माइनस 1 माइनस k 1, आपके पास पॉइंट गिवन है m पॉइंट गिवन है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से पॉइंट सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूले से pm डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, टू लाइंस दे रखी है अपने को, ठीक है, दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट r, ठीक है, दो लाइंस हैं और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, द रिफ्लेक्शन ऑफ r इन द xy प्लेन हैज द कोऑर्डिनेट, तो पहली बात तो ये कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, उसका रिफ्लेक्शन निकालना है xy प्लेन में, तो चलो करते हैं। तो पहली बात तो ये दोनों लाइन सीधी इंटरसेक्ट कर रही हैं दूसरे को, इसका मतलब क्या करें अपन, पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें, तो आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करें, एक को मान लेते हैं लैम्डा के इक्वल, दूसरे को मान लेते हैं म्यू के इक्वल, यहां से दोनों का जब पॉइंट आएगा तो वो कॉमन पॉइंट होगा, तो कॉमन पॉइंट होगा तो क्या करेंगे अपन, इक्वेट कर देंगे एक दूसरे के, तो यहां से l1 है ये l2 है, बिल्कुल, तो इस पे लैम्डा डिस्टेंस पे पॉइंट p मानो और इस पे भी लैम्डा डिस्टेंस पे पॉइंट p सेट करो और दोनों पॉइंटों को क्या करना है इक्वेट, तो यहां को लैम्डा भी बिल्कुल, तो यहां से आ जाएगा देखो लैम्डा प्लस 3 कॉमा कॉमा 3 लैम्डा माइनस 1 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 6, और मैं इसकी बात करूं तो यहां से आ जाएगा मेरा p पॉइंट उसके नीचे के लोस, चलो यही लिख लेते हैं, तो कॉमन कंपेयर कर लेंगे आराम से, फिर 7 म्यू माइनस 5 7 म्यू माइनस 5 माइनस 6 म्यू प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 कॉमा 4 लैम्डा 4 म्यू प्लस 3, अब इनको कंपेयर कर लो आप,
तो कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक तो इक्वेशन होगी मेरी लैम्डा इक्वल्स टू सेवन म्यू माइनस एट कॉमा, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी थ्री लैम्डा इक्वल्स टू माइनस सिक्स म्यू प्लस थ्री कॉमा, थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, या इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं है ना, सॉल्व कर लेते हैं तो लैम्डा म्यू आ जाएगा अपना। तो देखो लैम्डा की वैल्यू क्या है, इसको उठा के यहाँ ऐसा करो थ्री से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो ऐसा करते हैं माइनस कर ही लेते हैं डायरेक्ट, थ्री लैम्डा इक्वल टू जीरो ट्वेंटी वन म्यू माइनस चौबीस, और ये कितना है थ्री लैम्डा इक्वल टू माइनस सिक्स म्यू प्लस थ्री। तो देखो फर्स्ट में से सेकंड को सेपरेट करो तो जीरो आ गया, बिल्कुल, और इधर आ गया सर 37 म्यू 27 म्यू माइनस 27 तो म्यू आ गया अभी बस, और म्यू की वैल्यू 1 है तो लैम्डा की वैल्यू -1। हां और लैम्डा म्यू जब दोनों को पुट करोगे ना तो देखो पॉइंट सेम आना चाहिए, बिल्कुल, तो इसका मतलब द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर है ना। तो अब अच्छा अपना पॉइंट के लिए आप लैम्डा को माइनस में पुट कर दो तो पी पॉइंट आ रहा है 2, -4, -4, 7 ठीक है। अब ये अपने से इस क्या पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में आपको करना है रिफ्लेक्शन, एक्स वाई में तो हो गया खत्म है ना, एक्स वाई प्लेन में रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, जेड का क्या है आपका नेगेटिव, नेगेटिव चला जाएगा बस, तो क्या आ गया पी डैश आ गया अपना -2, -4, -7 हां तो देन इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा 2, 4 ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस पार्ट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, मतलब आपको एक प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस पार्ट, मतलब जो प्लेन है वो आपका इस लाइन के अंदर लाई करता है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि जैसे लाइट ये प्लेन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है और ये लाइन इस प्लेन में कंटेन है मतलब इसी पे लाई करेगी, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो इस लाइन पर पॉइंट है 0, 0, 0 ये इस प्लेन पे भी होगा, ये लाइन आपकी 0, 0 से पास होगी, और इस लाइन की जो DRS है वो गिवन है आपको 2, 3, ये इसका मीनिंग है। अब क्या बोला गया है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है विच कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, मतलब ये जो प्लेन है आपका एक सेकेंड प्लेन के परपेंडिकुलर है जो इन दोनों लाइनों को उसमें कंटेन करता है। तो देखो क्या करना है इसके बाद, तो अब क्या बोला गया कि ये जो प्लेन की इक्वेशन बतानी है इस प्लेन में एक लाइन कंटेन है, तो सिंपल एक काम तो कर सकते हैं कि 0, 0, 0 से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी a इंटू एक्स माइनस जीरो, तो क्या आ गया सिंपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू, ये कौन सी प्लेन की इक्वेशन जो आपको फाइंड आउट करना है, इसको लेट P1 बोल देते हैं, और देखो इस लाइन के जो DRS ABC है और इस प्लेन के नॉर्मल के DRS क्या परपेंडिकुलर और प्लेन के नॉर्मल के DRS क्या ABC, तो देन 2A प्लस 3B प्लस 4C इक्वल टू 0 ले सकते हैं, तो अगली स्टेप क्या होगी 2A प्लस 3B प्लस 4C इक्वल टू 0, तो बेटा इस ये जो लाइन इस प्लेन में कंटेन है तो इसे दो कंडीशन मिल चुकी है, पॉइंट से पास होने वाला प्लेन और इसमें एबीसी में रिलेशन आ गया। अब एबीसी में सेकंड रिलेशन आने के बाद तो आप सेकंड रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद आप इजीली एबीसी की वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो उसके लिए क्या करना है, अब क्या बोला गया कि जो ये गिवन प्लेन है जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है ये प्लेन सेकेंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो सेकेंड प्लेन के अगर आपको सेकंड प्लेन की इक्वेशन पता चल जाए तो उसके नॉर्मल के DRS और इसके नॉर्मल के DRS अगेन क्या होंगे परपेंडिकुलर। तो अपन एक काम करते हैं पहले सेकंड प्लेन फाइंड आउट करते हैं, और क्वेश्चन ने क्या बोला गया कि सेकंड प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, तो देखो ब्लैक बोर्ड पे एक सेकंड प्लेन है जिसमें ये दो लाइन ऐसे कंटेन है, तो या तो प्रॉपर मेथड से कर सकते हो या फिर सीधा शॉर्टकट मेथड है कि जब भी टू लाइन एक प्लेन में लाई करती है सिंपल सी बात ये करो कि बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन हीरो, ये दोनों लाइन सेम ही पॉइंट से पास होती है 0, 0, 0 से, और इस लाइन के DRS क्या है 3, 4, 2 और इसके DRS है 4, 2, 3, तो आपको क्या चाहिए इस प्लेन के नॉर्मल के DRS चाहिए सिंपल, तो एक काम करो लेट इस प्लेन के नॉर्मल के DRS है अल्फा बीटा गामा, तो इस प्लेन के नॉर्मल के DRS अल्फा बीटा गामा इस L1 L2 के क्या होंगे परपेंडिकुलर, तो अपन आप लिख सकते हो 3 अल्फा प्लस 4 बीटा 2 गामा प्लस
टू गामा जीरो एंड इससे लिख सकते हैं अगेन फोर एल्फा प्लस टू बीटा प्लस थ्री गामा इक्वल टू जीरो। आप इन बहुत इक्वेशनों से अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करोगे। अल्फा बीटा गामा का मीनिंग क्या है? इस सेकेंड प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस। तो एक काम करते हैं, सीधा लगा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखो कैसे करोगे, अल्फा अपॉन 12 माइनस 4 8 इक्वल टू बीटा अपॉन 8 माइनस 9 इज माइनस 1 और गामा अपॉन 6 माइनस 10 माइनस 10। ये आपको अल्फा बीटा गामा का रेशियो पता चलेगा, मतलब इस प्लेन के नॉर्मल की डीआरएस है। और ये पी वन प्लेन आपका इस पी टू प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बहुत प्लेन अगर परपेंडिकुलर तो अगेन डीआरएस ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा जीरो कर सकते हैं। तो एक आपके पास एबीसी में सेकेंड इक्वेशन आने वाली है क्या, 8a माइनस b माइनस 10c इक्वल टू जीरो। इन बोथ इक्वेशन से अगेन आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं और आप एबीसी की वैल्यू को फाइंड आउट करके इसमें पुट कर दो। या सिंपल सेकंड ऑप्शन क्या है, ये ज्यादा बेटर है कि जब भी आपके पास थ्री इक्वेशन है और उनसे थ्री वेरिएबल है एबीसी, सॉरी थ्री आर्बिट्री वेरिएबल है एबीसी, इनका क्या करना है एबीसी, तो इनके डिटरमिनेंट से बनने वाली डिटरमिनेंट क्या कर सकते हैं, सीधी जीरो कर सकते हैं। इनके कोफिशिएंट से बनने वाली जो डिटरमिनेंट है उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जीरो। तो क्या जाएगा देखो, एक्स वाई जेड 2, 3, 4 एंड 8 माइनस 1 एंड -10। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में 8 में देखो क्या कह रहा है ये, अ टेट्राहेड्रन हैज वर्टिसेस P, Q, R एंड O, the angle between the faces OPQ and PQR। तो पहली बात क्या करते हैं अपन, एक टेट्राहेड्रन बना लेते हैं। टेट्राहेड्रन बना लो O, ये रहा। तो इसको मान लेते हैं अपन O, ये P, ये Q और ये R। अब अपने से क्या कह रहा है, O तो ओरिजिन है ही अपना, तो O हो गया 0 0 0, P 1 2 1 1 2 1, एंगल बिटवीन ओपीक्यू एंड पीक्यूआर। तो ओपीक्यू कौन सा हो गया, देखो ओपीक्यू यानी कि जो बेस है वो हो गया, और पीक्यूआर कौन सा हो गया, पीक्यूआर ये हो गया इधर, पी पीक्यूआर ये साइड हो गया। तो एंगल अपने को इन दोनों प्लेन्स की जो निकालना है यानी कि दिस एंगल। तो ये एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब अपने को याद है क्या कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या हो जाएगा, इक्वल होगा एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो अपन क्या करें, सीधे इनके नॉर्मल्स फाइंड कर लें दोनों प्लेन्स के, और उन्हीं के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल इसमें हो जाएगा। तो पहले अपन निकालते हैं ट्रायंगल ओपीक्यू जो बन रहा है, ट्रायंगुलर बेस ओपीक्यू का नॉर्मल वेक्टर। तो इसको निकालने के लिए देखो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं n1, इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको मान लेते हैं n1 वेक्टर, और इसका मान लेते हैं अपन n2 वेक्टर। तो चलो, तो n1 वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी क्रॉस ओक्यू देखो है ना। तो ओपी क्रॉस ओक्यू क्या हो गया अपना, ओपी वन, तो कैसे निकालोगे आप, याद है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई जे के, और अपना ये हो जाएगा 1 2 1 1 2 1 आ जाएगा सेम, हाँ 2 1 3, और इसका हो जाएगा 2 1 3 क्योंकि वहां पे ओरिजिन बैठ हुआ है। तो यहां से सॉल्व करके आ रहा है 2 3 6 -1 5 आई के जे के रहेगा 3 -2 यानी कि माइनस का जे के माइनस का 3 के कैप जी सर। तो ये आ गया अपना n1 वेक्टर। अब सेम अपन निकालेंगे कौन सा, n2 वेक्टर। तो n2 वेक्टर क्या आ जाएगा, देखो n2 वेक्टर के लिए अपन करेंगे n2 pr into pq pr cross pq yes pr cross pr cross pq इस तो pr cross pq कर लेते हैं। तो वही सेम फंडा अपना, i j k -2 -2 -1 -1 1 और 1, और pq में आ जाएगा 2 -1 1 -1 एंड 2 ठीक है। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा आई के साथ आएगा माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1, तो माइनस का आई के आगे जे के साथ क्या आएगा, माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 जे के, ये जे है, लास्ट में के प्लस का 2 और प्लस का 1 तो 3, तो प्लस का 3 के के, ये अपना आ गया n2 वेक्टर। यस सर। अब अपने को निकालना है एंगल बिटवीन प्लेन्स, तो प्लेन के बीच में एंगल वो होगा जो नॉर्मल के बीच में, तो अपन क्या कर लें n1 और n2 के बीच में एंगल निकाल लें,
एंड दैट विल बी इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड इनटू n2 का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा अपना, ठीक है। तो n1 डॉट n2 कितना आ जाएगा, कर लो 5 इनटू -1 तो -5, -1 इनटू +5 तो -5 अगेन, -3 इनटू +3 -9। देखो 5 ये माइनस आएगा सर, अच्छा ये माइनस है तो फिर ये बिल्कुल प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है कोई, ये क्या आएगा अपना माइनस आएगा, फिर n1 का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, n1 का मैग्नीट्यूड आ रहा है अपना 25 से 35 √35 √35, ये भी आपका √35 है, ये भी √35 आ रहा है, हां बिल्कुल सर, तो कितना आ गया 9/35, तो ये आ रहा है अपना, अच्छा कैंसिल आउट हो गया 5 से 5 तो ये आ गया 9/35 बिल्कुल सर, थीटा आ जाएगा -9/35, माइनस तो हटा दो मैग्नीट्यूड लेना है ना, हां बाद में उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा अपना बोल रहा है cos इनवर्स, थर्ड आंसर जाएगा, थर्ड आ जाएगा बिल्कुल। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन कंटेनिंग द टू लाइन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, मतलब आपको ओरिजिन से ओरिजिन की एक प्लेन से क्या बतानी है डिस्टेंस, तो सबसे पहले क्या करना है, एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करोगे व्हिच कंटेनिंग दी टू लाइंस, सिंपल सी बात है कि एक प्लेन में अगर टू लाइंस कंटेन है l1 l2 और आपको उस प्लेन की क्या चाहिए इक्वेशन, तो एक मेथड तो क्या है, देखो ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास होती है, -2 2 एंड -5 से, सेकेंड लाइन भी आप लिख सकते हो चाहो तो 1 4 माइनस, और एल वन लाइन की जो डी आर एस है वो क्या है 3 5 5 एंड 7 7, और एल टू लाइन की डी आर एस है 1 4 एंड 4 7। अब इसके बाद क्या करो, आपको एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ दिस पार्ट इज ए ऑफ एक्स प्लस टू प्लस बी ऑफ वाई माइनस वाई वन, तो वाई माइनस टू आ गया, प्लस सी ऑफ जेड प्लस फाइव, ये प्लेन की इक्वेशन है जो आपकी पॉइंट माइनस टू टू कॉमा माइनस फाइव से पास होगी। अब इसमें एबीसी की वैल्यू के लिए क्या करना है, इस प्लेन के नॉर्मल के, ये प्लेन का जो नॉर्मल है इसके एबीसी और इस लाइन के एबीसी क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो ए ए वन प्लस बी बी वन प्लस सी सी वन को जीरो करना है, तो ये जाएगा आपका 3a प्लस 5b प्लस 7c 0, और अगले से आगे सिमिलरली a प्लस 4b a प्लस 4b प्लस 7c इक्वल टू 0। आपको इन दोनों से एबीसी को वैल्यू को करना फाइंड आउट, देखो इसमें दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो फटाफट डिवाइड कर दो आप, इसमें से इसको डिवाइड कर दो क्या आ गया 2a प्लस b इक्वल टू 0, तो देखो क्या बेटर ऑप्शन है इसमें, इससे सिंपल आ गया बेटा 2a इक्वल टू माइनस माइनस b, तो देखो a और b में तो रिलेशन आ गया a अपॉन, या ऐसे रखो एक काम करो ऐसे लिख लेते कि जैसे लेट आपने a को k लेट किया तो b आ गया माइनस k2, रेशियो तो चाहिए अपन को, तो a को k b को माइनस 2k जब आप इसमें पुट करोगे तो देखो c कितना आएगा, a को लेना है k, तो k माइनस 8k 8k प्लस 7c 0, तो देन इससे c आ गया अगेन k आ गया प्लस क्या प्लस क्या आ गया c भी क्या आ गया k, तो जब आप इससे k की वैल्यू को इक्वेट करोगे तो देन ये रेशियो आ गया सर a अपॉन 1 इक्वल टू b अपॉन माइनस 2 इक्वल टू c अपॉन 1, ये इस प्लेन के आपके abc का रेशियो है, तो इन abc की वैल्यू को जब आप इस प्लेन में पुट करोगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x + 2 माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ y - 2 और प्लस 1 ऑफ z + 5 इक्वल टू 0, ये आपका प्लेन आ चुका है क्वेश्चन ऑफ प्लेन, इसको सॉल्व करने पे x आ गया माइनस के टू वाई होगा प्लस z प्लस के z आ गया, और ये क्या आ गया 2 11 और 2 4 6 और 5 11, ये आपके रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है व्हिच कंटेनिंग द टू गिवन लाइंस। अब आपको क्या करना है, इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस करनी है फाइंड आउट, तो पॉइंट की जब भी आपको 0 0 से डिस्टेंस करनी है फाइंड आउट, तो क्या करो पॉइंट को प्लेन में पुट करो का मोड अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या आ गया 4 5 6 6 रूट, तो जाएगा रूट 11 अपॉन रूट 6 तो देन इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट, सॉरी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा 11 अपॉन रूट, ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन 10 देखें सब लोग, इसमें क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट
बीटा जीरो बीटा, अपने को पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट से अपने को क्या करना है, इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है कितना, रूट ऑफ 3/2। तो अपने को क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालो, इसकी बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो काम करते हैं, थोड़ा सा समझ लो पहले एक बार। जैसे कि देखो लाइन गिवन है अपने को, ये मान लिया और ये पॉइंट है अपना, ये पॉइंट कौन है, बीटा जीरो बीटा। अब ये कह रहा है कि अपने को इसकी जो डिस्टेंस है ना वो दे रखी है क्या अपने को, अंडर रूट ऑफ 3/2। अपने को डिस्टेंस दे रखी है रूट 3/2। तो एक काम करो छोटा सा, पहले तो ये अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको इक्वल टू आर लेते, बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं, इसको पहले अपने जनरल पॉइंट निकालते हैं, किस पर, लाइन पर निकाल लें इसको, इक्वल लाइन पर लैम्डा मान लो या आर मान लेते हैं, कुछ भी ले लो कोई है ना। तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा लैम्डा, सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 कॉमा, और जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका माइनस लैम्डा माइनस माइनस लैम्डा माइनस 1। अब एक काम करता हूं मैं ना, मेरे को ये पता है कि इस पॉइंट को यदि मैं पी मान रहा हूं, उसको अपन मान लेते हैं एम। तो इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो अपने क्या है, डायरेक्शन रेशियो 1 0 -1। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो है बीएम परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो क्या हो जाएगा अपना पीएम परपेंडिकुलर टू दिस, तो पीएम डॉट दिस, इसको अपन मान लेते हैं इसके, इसको ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होगा। तो अपन को क्या मिल जाएगा, यहां से वैल्यू ऑफ लैम्डा मिल जाएगी आराम से। तो करते हैं शुरू, तो पीएम वेक्टर क्या हो गया, कर लो माइनस, तो लैम्डा माइनस बीटा, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ए के साथ, तो मैं डॉट प्रोडक्ट भी साथ में कर रहा हूं, ठीक है। तो इनटू 1 प्लस 1 माइनस 0, तो 1 इनटू 0 प्लस माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस बीटा, और इसका मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस 1 सी से, यानी कि माइनस 1 से इक्वल टू ये कहना चाहिए 0। यहां से आप क्या कर लो, आप लैम्डा और बीटा में इक्वेशन जो बन रही है उसको सॉल्व करते हैं अपन। तो ये आ गया लैम्डा माइनस बीटा बीटा प्लस 1, ये तो 0 हो गया ना, ये 0 हो गया, फिर बाद में आ गया प्लस में हो जाएगा सारा माइनस, हां प्लस की लैम्डा, लैम्डा प्लस बीटा प्लस 1, यस सर। तो देखो उससे बेनिफिट क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया बीटा, कैंसिल आउट हो और लैम्डा की वैल्यू होगी माइनस हाफ, 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 देन लैम्डा इक्वल टू माइनस हाफ माइनस के हाफ। तो जब लैम्डा की वैल्यू को माइनस हाफ पुट करोगे पॉइंट मिल गया अपने को, पॉइंट आपके पास कौन सा जाएगा सर, एम, एम पॉइंट आ गया, पॉइंट एम आ गया माइनस के 1/2 प्लस का 1 प्लस के 1 और माइनस के अगेन 1/2, ठीक है बिल्कुल। और पॉइंट भी आपके पास गिवन है बेटा बीटा कॉमा 0 कॉमा बीटा, और ये अब आपको क्या करना है, PM डिस्टेंस को रूट 3/2 की इक्वल करना है। तो जैसे ही आप PM डिस्टेंस को सर क्या करोगे, रूट 3/2 की इक्वल करोगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है सिंपल इसमें आपको, तो देन आपको बीटा की वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट, और उसको सॉल्व करने पे बेटा बीटा की वैल्यू आती है माइनस माइनस 1 आ जाएगी बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद क्वेश्चन 11 से आपका मल्टीपल चॉइस, सॉरी अभी भी सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, देखो इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point 1,1,1 and perpendicular to the plane this part and this part। आपको एक प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जो गिवन पॉइंट से पास होती है। तो गिवन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या लिखोगे, a of x minus 1 plus b of y minus 1 plus c of z minus 1 c into z minus 1 c of z minus 1 equal to 0। After that क्या बोला गया, कि जो ये जिस प्लेन की आपको इक्वेशन करनी है फाइंड आउट पी की, वो प्लेन आपका इन गिवन टू प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, तो देन ए ए1 + बी बी1 + सी सी1 को जीरो हो जाएगा, क्या आ गया, तो ये आ गया 2a + b - 2c = 0 एंड, और एक आ गया 3a - 6b 6b + - 2c, हां एक को चाहिए, दो ऑप्शन है वही, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, ए बी सी को एलिमिनेट करना है तो सीधा इनके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या कर सकते हो 0। हाँ, एक ये भी ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इसको सबट्रैक्ट करने से एबीसी की वैल्यू कर सकते हो फाइंड आउट। तो अपन ये कर देते हैं, फर्स्ट से जो सेकंड को सबट्रैक्ट करोगे आप तो 2c कैंसिल, तो क्या आ गया 2a minus 3a is minus k और ये आ गया प्लस 7b equal to 0, then a equal to आ गया सर 7b। तो क्या करो देखो, इसमें अपन b को k लेट कर देते हैं, ठीक है, तो b को k लेट करो तो a तो आ गया 7k, तो देन C कितना आएगा, देखो A को पुट करो 14, हाँ प्लस 14 प्लस 15 15 अपॉन 2 15 अपॉन 2 के, तो C आ गया 15 अपॉन 2 50 अपॉन 2 के। अब आप इजीली इन K की वैल्यूज को पुट करोगे ABC की वैल्यू को, तो ABC की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ गया 7K, तो K तो कॉमन आ गया कैंसिल, तो 7 इनटू x माइनस 1, फिर B की वैल्यू पुट करोगे k तो प्लस 1 y माइनस 1
और प्लस सी की वैल्यू सर होगी 15 अपॉन 2 इनटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो इस 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये तो आ गया 14, ये आ गया 2 और इधर से 2 को गायब रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपलीफाई करने पे देखो क्या आ गया, 14x प्लस 2y प्लस के 2y प्लस 15z प्लस 15z और ये क्या आ गया -14 माइनस 31 माइनस 2 एंड माइनस 15 तो माइनस के 31 तो देन इक्वल टू 30। तो ये रिक्वायर्ड प्लेन की क्या होगी क्वेश्चन, तो देन इसके अकॉर्डिंग है क्या कोई ऑप्शन 14x प्लस इसका आंसर फर्स्ट आंसर है 31 ही चलो। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। हां ये मोर देन वन के क्वेश्चन है, बिल्कुल यहां से मोर देन वन के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो अब देखते हैं यदि इक्वेशन ऑफ अ लाइन 4x माइनस 4y माइनस z इक्वल्स टू 0 equals to x plus 2y minus z minus 1 can be put as, है ना? तो ये एक्चुअल में लाइन की इक्वेशन है ना? तो आपको भी पता है प्लेन में क्या पढ़ा है अपने कि जब भी अपने पास दो प्लेन्स हैं ना, स्पेस में दो प्लेन है, दो प्लेन क्या कर रहे हैं जिसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो क्या करते हैं एक लाइन फॉर्म करेंगे जहां इंटरसेक्शन होगा, तो वही अपने को क्या निकालना है लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो अपन क्या करते हैं पहले इनको दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y माइनस जेड प्लस 11 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा अपना x प्लस 2y माइनस जेड एक प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गई सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। चलो देखो तो पहले अपन क्या करते हैं किसी भी एक जेड, अपन क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में पहले किसी भी एक वेरिएबल को वहां से क्या करेंगे रिमूव करने की कोशिश करते हैं ना। तो एक तरीका तो क्या है, यहाँ पे माइनस जेड है, यहाँ भी माइनस जेड है, तो अपन क्या करें पहले इसको सबट्रैक्ट करते हैं सीधे। तो इससे क्या आ गया अपने को देखो, ये हो जाएगा 3x माइनस 6y, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं देखूं तो मेरे पास आ रहा है 3 से डिवाइड कर देते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा 2y माइनस 3 4 जा 12, 2y माइनस 4 आ गया ये 3 4 जा, ठीक है। अब अपने पास क्या आ गया, ये आ गया, तो इसको अपन और प्यार से क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे क्या इसको अपन, देखो 2 को डिवाइड कर दो तो x अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1। तो अपने को क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया है ना, एक अपनी रिलेशन एक इक्वेशन मिल गया आगे किसमें x और y में। अब मेरे को क्या चाहिए z और चाहिए, तो अब आप एक काम करो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले आप किसी भी वेरिएबल को ऐड कर दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ किसी दूसरे को जीरो कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा देखो आप क्या करो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई गायब हो जाएगा, तो वाई गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो आप 2x, ये हो जाएगा आपका 4, तो 4x 2x आ गया ना माइनस 2x, तो 2x बचेगा पर सीधा ऐड करना है ना, ऐड करना है बिल्कुल सर 6x और यहाँ पर आएगा आपका माइनस जेड 2 और 1 3 3z प्लस 9 इक्वल टू 0 प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है ये आ गया। तो यहाँ से अपने मिल रहा है 2x माइनस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको अपन लिख सकते हैं 2x इक्वल टू जेड माइनस 3 और यहाँ से अपन यदि x बाई 2 निकालें तो ये आ जाएगा जेड माइनस 3 अपॉन में 2 और यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा x बाई 2 इक्वल टू जेड माइनस 3 बाई 4 बिल्कुल। तो अपनी रिक्वायर्ड जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या आ गई x by 2 equals to y minus 2, सर देखना ऑप्शन सबने y minus 2 upon 1 equals to z minus 3 upon 4, एक तो आ गया फर्स्ट आंसर, एक तो आ गया अपना x by 2 हाँ फर्स्ट आ गया। अब एक बार आप क्या कर सकते हैं इसमें एक और चीज क्या चेक कर सकते हैं कि अपन x y को ना जीरो करके क्या कर लो, आप x को जीरो कर लो तो एक और इक्वेशन आ जाएगी। देखो इसमें जो ऑप्शंस गिवन है 1 2 3 इसमें एक ऑप्शन में तो x को नेट जीरो मारा गया है तो उसके लिए आपने क्या किया x को नेट को जीरो कर दिया, एक ऑप्शन में y को जीरो माना गया है सेकंड में कि इसको जो लाइन है उसका y कोऑर्डिनेट जीरो इस पे कोई भी पॉइंट है और एक में z को जीरो माना गया, तो आपको वन बाय वन ऑल थ्री ऑप्शंस को z को गायब कर दिया और एक बार, ठीक है। तो आप इस टाइप से इसको कर सकते हो, अगले में आपको करना है इसको, तो एक बार क्या करो x की वैल्यू को ऐसी अब अगली बार y की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x z फाइंड आउट करोगे तो आप में उस लाइन का y कोऑर्डिनेट क्या जाएगा जीरो, ठीक है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके इसको आप सबट्रैक्ट कर देना है ना, इसी सिमेट्री से आप अगेन टू ऑप्शंस को क्या कर सकते हो भाई। हां इस क्वेश्चन में क्या है सिर्फ इसका पहला ही ऑप्शन सही है। हां चलिए चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन 30 में क्या बोला गया है, p1 p2 p3 डिनोट्स द डिस्टेंस ऑफ प्लेन दिस पार्ट फ्रॉम द प्लेन दिस पार्ट दिस, मतलब आपको क्वेश्चन में बोला गया p1 का मीनिंग क्या है, P1 फर्स्ट प्लेन की इस प्लेन से डिस्टेंस, तो देखो ये दोनों प्लेन आपके पैरेलल हैं तो P1 क्या जाएगा D2 माइनस D1 का अमाउंट रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या आ गया देखो 6 माइनस 2 4
फोर अपॉन अंडर रूट ऑफ फोर नाइन प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन ये आ गया पी वन। तो इससे पी वन आ गया सर कितना 29 अपॉन अंडर रूट पी अपॉन रूट 29 ये आ गया पी वन। सिमिलरली जब पी टू की बात करोगे तो पी टू के लिए क्या करना, अगेन जो पी वन प्लेन है वो आपका इस प्लेन के भी पैरेलल है, बट डिस्टेंस के लिए करोगे आप तो उनका एबीसी सेम बनाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इस सेकेंड प्लेन को टू से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 3y 2 0। अगेन पी टू की डिस्टेंस क्या होगी 3y 2 माइनस 2, हाँ तो 3y 2 माइनस 2 इज 1y 2, तो मोड है ना, तो प्लस अपॉन में रूट तो ये आ गया 29। बिल्कुल, तो देन आपका सर पी टू आ गया 1/2√29 इन द लास्ट पी थ्री। अगेन पी थ्री की बात करोगे तो पी वन प्लेन की थर्ड प्लेन से पैरेलल डिस्टेंस, क्योंकि बोथ प्लेन्स आर पैरेलल, तो उसमें देखो ये भी यही काम करना है आपको, इसमें भी आपको क्या करना है, हाँ इसमें तो ऑलरेडी ये टू से डिवाइड फॉर्मेट में, तो सिंपल माइनस सिक्स माइनस टू आगे सर 8 अपॉन रूट 29। ये आपके पी वन पी टू पी थ्री की वैल्यू गिवन है। अब आपको फर्दर ऑप्शन को वेरीफाई करना है, देखो जैसे थर्ड ऑप्शन बोला गया है 8P2 = P1 तो देखो P1 को जब P2 के इक्वल करोगे आप तो सिंपल क्या गया 8 = हाँ तो 8 तो थर्ड ऑप्शन वेरीफाई हो गया आपका। उसके बाद जैसे P3 P2 की बात करोगे तो देखो P3 P2 की बात करोगे आपको क्या होगा, जब आप P2 को P3 से डिवाइड करोगे तो P2 तो ऊपर आ गया कितना 1/2√29 और ये आ गया 8/√29 तो ये कैंसिल करने पे आ गया 1/16 मतलब P3 = 16। ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सिमिलरली आप अगेन फर्स्ट सेकंड देखो, फर्स्ट में क्या करना है P1 की वैल्यू क्या 4/√29 प्लस 8P2 तो 8 से करो तो क्या आ गया 4/√29 माइनस P3 8/ हां तो ये भी क्या आ गया 0 आ गया ना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन भी क्या करेगा सेटिस्फाई एंड द लास्ट ऑप्शन। सिमिलरली आप फोर्थ ऑप्शन भी वेरीफाई कर सकते हो। बिल्कुल इस टाइप से करना है इसको। चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है अपने को, इफ द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस, दो स्ट्रेट लाइन अपने को दे रखी हैं, आर कोप्लेनर, देन द प्लेन्स कंटेनिंग दीस टू लाइन, अपने को क्या करना है उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन्स दोनों लाइंस को क्या कर रहा है कंटेन कर रहा है, एंड ये अपने को गिवन है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं कोप्लेनर हैं, ऐसा गिवन है तो अपने को क्या पता है कि यहां पर अननोन है, तो अपन क्या कर सकते हैं आराम से के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक बात सोचो आप, दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे छोटा सा अपन ये दोनों लाइंस क्या हैं कोप्लेनर हैं मान लो, और दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं इसका मतलब क्या हो गया दोनों दोनों कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो अपन दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को है ना, या तो क्या करना दोनों लाइन यदि एक ही प्लेन में तो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों का कोई ना कोई क्या रहा होगा कॉमन पॉइंट, तो या तो क्या करना लैम्डा और म्यू मान के कर लेना वहां से भी आंसर आ जाएगा, या फिर एक काम आप ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप इसमें दोनों स्ट्रेट लाइंस क्या है कोप्लेनर, तो उसके लिए अपने पास क्या फंडा है x2 - x1 = y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसको जीरो करोगे तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो यहां से k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपके पास, तो इसको सॉल्व कर देते हैं अपन, या तो है ना सर, हां करो, तो ये आ गई x2 - x1 1 - -1 तो ये हो गया 2। देखो एक बार लिख सेकंड पॉइंट ए तो है आपका 1 - 1 = 0 और पॉइंट बी है सर -1 - 1 = 0 तो देखो किसी में से किसी को पढ़ दो, हाँ तो 2 आ गया 0 और 0 यस, ये बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बहुत इजी है इसकी 2k 2 5 2k, तो ओनली आपको इस 2 के अकॉर्डिंग ओपन करना है, r1 के लिए एक्सपेंड कर लो सीधा, k² = 4 आ गया, तो k की वैल्यू 2 आ रही है इसमें प्लस और माइनस तो सेम ही, ध्यान रखें बस यस प्लस और माइनस 2, तो दो ऑप्शन करेक्ट होने वाले हैं जहां तक है ना। चलो देखते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करें k की वैल्यू आप रख लोगे आराम से, उसके बाद अपन करना क्या है ना, अब देखो ये तो आ गई k की, इसको हटा देते हैं अपन यहां से, तो k की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 2। अब अपन क्या करते हैं छोटा सा काम कर लेते हैं, अपने को क्या निकालना है प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस, तो एक बात सोचो आप अपने को इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें क्या है ये दो लाइंस पड़ी हुई है ना, कह सकते हैं कि ये कंटेन कर रहा है प्लेन है ना दो लाइंस को,
तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूं मैं लाइंस का, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस नॉर्मल दिस प्लेन। तो क्या करें अपन, एन वन क्रॉस एन टू, यानी क्या कर रहे हैं अपन, इन दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियो डी आर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा वो, आई कैप जे के कैप टू के टू टू के टू के बोले तो बिल्कुल। यहां से इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये आता है k स्क्वायर माइनस फोर इंटू आई कैप माइनस टू के माइनस टेन इंटू जे कैप प्लस फोर माइनस फाइव के, फोर माइनस फाइव के इंटू के कैप। अब अपने को क्या कह रहा है ये, अब देखो अब k की दो वैल्यू इसमें आप रखोगे और दो ही अपने क्या आएंगे आंसर आएंगे, k की वैल्यू प्लस अगर आप पुट करोगे तो देन नॉर्मल वेक्टर आ गया n वेक्टर इक्वल टू 0, जीरो हो गया ना, तो ये आ गया फोर माइनस सिक्स जे के प्लस का सिक्स जे के और फोर टेन माइनस के सिक्स माइनस का सिक्स के के, बिल्कुल। और अगेन जब के को सेकंड वैल्यू पुट करोगे आप के इज माइनस टू को, अगेन एन वेक्टर क्या आएगा, फर्स्ट तो अगेन जीरो आ गया बिल्कुल, और अगले में जब माइनस टू होगी तो माइनस माइनस फोर्टीन प्लस का फोर्टीन हो गया वो फोरटीन जे के और ये आ जाएगा आ गया प्लस का प्लस फोर्टीन के के। अब देखो दिस पार्ट आने के बाद ये जो प्लेन है वो किस पॉइंट से पास होगा, जो भाई ये जो लाइन है आपकी इस प्लेन में कंटिन्यू करती है, तो जो लाइन का पॉइंट है आपका वो इस प्लेन को भी क्या करेगा सेटिस्फाई, तो ये प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1, 0, तो देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज ए ऑफ x माइनस वन प्लस बी ऑफ x प्लस वाई प्लस वन प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो सी जेड। ये लिखने के बाद एक बार तो ये एन वेक्टर क्या है इस प्लेन का नॉर्मल है, मतलब दिस इज एबीसी डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, तो एक बार तो एबीसी को पुट कर दो 0, 6, -6, तो 0, 6, -6 पुट करोगे तो क्या आ गया, तो 0 चला गया, तो 0 प्लस 6 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 y प्लस 1 और -6 z इक्वल टू 0, तो इसके अकॉर्डिंग तो देखो 6 से 6 तो कैंसिल है, तो एक का आंसर आ गया y - z प्लस 1 इक्वल टू 0, बिल्कुल सर। सिमिलरली जब आप अगले में 14 पुट करोगे तो ये तो जीरो है ना, तो क्या आ गया 0 प्लस 14y प्लस 1 प्लस 1 प्लस 14z इक्वल टू 0, तो अगेन 14 कैंसिल, तो y प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देन इसके एक y प्लस z और एक y माइनस z, एक तो आ गया y माइनस z प्लस, हां यस सर, और y प्लस z, तो इसका सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन 15 में क्या बोला गया है, आर क्यू का मतलब है 3D की बात की गई है, कंसीडर दी प्लेन P1 P2 P3 डिफरेंट फ्रॉम, मतलब P3 प्लेन आपका P1 P2 के डिफरेंट बोला गया है, व्हिच पासिंग थ्रू दी इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2, P3 प्लेन इज पासिंग थ्रू दी इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2, तो देन इक्वेशन ऑफ प्लेन P3 क्या लिखोगे, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू 0, और बाद में बोला गया कि इफ दी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 010 फ्रॉम P3 प्लेन P3 की 010 से डिस्टेंस आपको 1 गिवन है, तो देन वी कैन फाइंड लैम्डा। उसके बाद बोला गया एंड दी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम P3 2, देन व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लेन P3 को करना फाइंड आउट फाइंड आउट करना पड़ेगा, P3 प्लेन को फाइंड आउट करने के लिए लिखोगे इक्वेशन ऑफ प्लेन P3 P1 प्लस लैम्डा P2, तो P1 तो क्या y प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 की वैल्यू, या एक काम करो उल्टा लिखो ज्यादा बेटर है क्योंकि लैम्डा एक के साथ ही आएगा, फिर P3 प्लस लैम्डा P2 तो P2 प्लस लैम्डा P3, P2 तो दिशा गया प्लस लैम्डा y क्योंकि वेरिएबल सिंगल होगा तो ज्यादा बेटर है, हां ये आपका P3 प्लेन आ गया। इसको पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो x प्लस 1 प्लस ये भी सिंपल है, ये और सिंपल होगा, हां कुछ करना नहीं है, प्लस z ये आपका प्लेन आ गया P3। अब क्या बोला गया है कि दिस प्लेन की 010 से डिस्टेंस आपको 1 गिवन है, तो 0, 1, 0 से प्लेन की डिस्टेंस तो क्या होगी, पहले 0 पुट करोगे x को 0 पे तो 0 आ गया लैम्डा प्लस तो ओनली लैम्डा माइनस 1 अपॉन √3 लैम्डा माइनस 1 अपॉन √112 प्लस लैम्डा स्क्वायर 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर यस सर इक्वल टू डिस्टेंस इज 1
तो देन अब क्या करो आप बोथ साइड जब इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो सिंपल आ गया सर लैम्डा स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट तो देन टू लैम्डा इक्वल टू माइनस तो लैम्डा इक्वल टू आ गया माइनस के वन बाई टू बिल्कुल और लैम्डा की वैल्यू को जब आप माइनस के वन बाई टू पुट करोगे तो देन रिक्वायर्ड प्लेन पी थ्री तो देखो P3 प्लेन क्या आएगा आपका पुट कर देते हैं बिल्कुल x माइनस y upon 2 y by 2 प्लस z माइनस 1 इक्वल टू तो ये आ गया 2x माइनस y माइनस सॉरी प्लस z ये आपका प्लेन आ चुका है सर P3 अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं अगेन क्वेश्चन ने बोला गया कि अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा से इस P3 प्लेन की डिस्टेंस आपको 2 गिवन है तो देखो सिंपल इस प्लेन की अल्फा बीटा गामा से डिस्टेंस क्या होगी पॉइंट पुट कर दो तो 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 का मोड अपॉन 4 5 9 का रूट 3 और इक्वल टू बोला गया क्वेश्चन में 2 बोला गया तो 6 हो जाएगा जब आप इस मोड को रिमूव करोगे तो क्या आएगा प्लस माइनस तो 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 6 तो जब आप टेकिंग प्लस लोगे तो बेटा माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा की वैल्यू 8 होगी और एक बार होगी माइनस माइनस के 4 तो चलो देखते हैं 1 बाय 1 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा तो ये 8 हो जाएगी और एक आपका माइनस 4 सेकंड तो माइनस 4 तो इसका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट करेक्ट हो गया चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 16 हां तो देखो क्या कह रहा है इफ द फोटो ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 4, 6, 2 टू द लाइन x माइनस y माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड दिस तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं अपन जो अनसिमेट्रिक फॉर्म दे रखी है उसको चेंज कर लेते हैं सिमेट्रिक फॉर्म में है ना तो वही काम करना है अपन को ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आपको फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है 4, 6, 2 का किस पे उस लाइन पे तो इसका बेटर ऑप्शन क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप आपको जब भी टू प्लेन की कंबाइंड इक्वेशन गिवन है इज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म बिल्कुल तो अब आपको इसको कन्वर्ट करना है सिमेट्रिकल फॉर्म में तो जब भी आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को क्या करना है सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट तो उसका बेटर ऑप्शन है आप एक काम करो किसी भी एक वेरिएबल को जीरो लेट कर देते हैं बिल्कुल z को तो आप पुट कर दो उसमें z को जीरो ये पैटर्न है याद रखिए कि जब भी लाइन की इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करना सिमेट्रिकल फॉर्म में तो आप एक्स वाई जेड में किसी को पुट करो जीरो कर तो जीरो पुट करने से आपको उस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा तो जेड को जीरो पुट करो तो क्या आ गया एक्स माइनस वाई प्लस प्लस टू इक्वल टू जीरो और अगला आ गया टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर जेड प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो देखो सिंपल सी बात है एक काम करते हैं फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर दो तो y कैंसिल आउट हो गया तो x माइनस टू एक्स इज माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो देन x तो आ गया सर माइनस के फोर बिल्कुल सर और x को माइनस फोर लोगे तो माइनस फोर और टू माइनस टू माइनस टू वाई भी माइनस टू आ जाएगी बिल्कुल सिंपल सा आपके पास उस लाइन पे पॉइंट आ चुका है माइनस फोर कॉमा माइनस टू कॉमा जीरो तो देखो क्या करना है ये एक लाइन है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होगी तो उस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट तो आ गया P माइनस फोर कोमा माइनस टू कोमा जीरो ये आने के बाद अब क्या करना है इस लाइन के एबीसी और फाइंड आउट करने तो देखो ये जो लाइन है वो क्या इन दोनों प्लेनों का इंटरसेक्शन है तो इस लाइन के एबीसी इस प्लेन के एबीसी के क्या होंगे परपेंडिकुलर तो लेट लाइन के एबीसी आपके एबीसी में तो क्या करना है ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो ए माइनस बी माइनस सी जीरो एंड ऑल्सो टू ए माइनस बी माइनस फोर सी फोर सी इक्वल टू जीरो अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से फटाफट ए बी सी की वैल्यू कर लेते हैं तो ए अपॉन माइनस फोर माइनस के फाइव आ गया बिल्कुल क्योंकि माइनस फोर तो माइनस माइनस प्लस तो फोर तो प्लस के फाइव आ जाएगा एक सेकेंड एक के नीचे आएगा ए अपॉन माइनस फोर और माइनस तो प्लस फोर तो माइनस वन थ्री आ गया सिमिलरली बी अपॉन माइनस टू प्लस फोर तो प्लस टू इक्वल टू सी अपॉन माइनस के वन और प्लस के टू देखने के बाद तीन बिल्कुल सर ये इसके लाइन के एबीसी आ चुके हैं
तो देन आप रिक्वायर्ड इक्वेशन लाइन लिख सकते हो सर, x प्लस 4 अपॉन x माइनस x n अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन 2 b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन, ये आपकी लाइन इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में बोला गया है इस लाइन पर पॉइंट p से आप क्या करते हो, फोटो परपेंडिकुलर, तो इस pm लेंथ को करना फाइंड आउट। तो देखो उसका क्या मेथड है, ये लाइन इस पॉइंट P से पास होती है, बिल्कुल। तो आप क्या करो, इस लाइन पे एक आर्बिट्री पॉइंट, इस पॉइंट M को कंसीडर करो, लेट इस पॉइंट P से R डिस्टेंस पे पॉइंट आपका M है। तो जब भी आपको किसी लाइन पे एक पॉइंट को क्या करना है, कंसीडर, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इक्वल टू R, तो देन आपका पॉइंट M आ जाएगा बेटा 3R - 4, 2R - 2, R आ रहा है। ये आपका पॉइंट M आ गया। अब इस पॉइंट M को फाइंड आउट करने के लिए आपको R की वैल्यू चाहिए, बस R आने के बाद जीरो हो जाएगा। R आने के बाद तो सीधा यही पूछा ना, फोटो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट ABC है, और बाद में आपको A प्लस B प्लस C का सम 3 करना है, मतलब इन तीनों को ऐड करके बाय 3 करोगे तो देखो क्या गया, 3R कैंसिल हो गया। नहीं नहीं इतना सिंपल नहीं है, बिल्कुल। तो क्या हो गया, 6R माइनस 6 upon 3, then 2R - 2, मतलब ये इसका आंसर है, बट आपको R की वैल्यू चाहिए। तो इस R की वैल्यू के लिए क्या करना है, R की वैल्यू के लिए इस PM लाइन के DRS और इस लाइन के DRS क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सिंपल सी बात क्या, देखो PM लाइन के DRS 3R - 4, तो ये तो आ गया सर 3R - 8, 2R - 2 - 6, तो अगेन 2R - 8 देखना कितनी जरूरी, बिल्कुल। और ये आ गया R - 2, ये इस PM लाइन के DRS है, और ये PM लाइन आपकी L1 लाइन के परपेंडिकुलर है, तो 3 × this part + 2 × this part + 1 × this part is 0। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, फर्स्ट को तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 9R - 24, बिल्कुल सही है। फिर 2 से करोगे तो सर 4R - 16 प्लस R - 2 इक्वल टू 0। ये आपने परपेंडिकुलर की कंडीशन पर आएगी, तो देखो 14R फिर आ रहा है 24 इक्वल टू कितना आ गया, 32 यस, तो R इक्वल टू आ गया 3, और R को जब 3 पुट करोगे 4 आ गया, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, चले। तो इंटीग्रल क्वेश्चन था अपना, तो इसका आंसर आ गया 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, अ वेरिएबल प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन, एक कोई वेरिएबल प्लेन है जो डिस्टेंस पी पर है ओरिजिन से, एंड मीट्स द एक्सिस इन एबीसी इफ द लोकस ऑफ सेंटर। तो एक काम करो, पहले तो क्या हो गया, एक कोई प्लेन है जो क्या कर रहा है, अपने इंटरसेप्ट रख रखा है अपने को, है ना, किसका, प्लेन का एक्सिस पर, एक्सिस बोले तो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो अपन इसका डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये बन गया प्लेन, ये x बोल दिया, इसको y बोल दिया, इसको z बोल दिया मैंने, है ना, तो इसको बोल देते हैं a, ये b और ये c। ये इसमें कह रखा है कि जो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स हैं वो क्या है, a b c पर है। तो इसको अपन क्या कर लें, देखो अब इसकी डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से, p, ओरिजिन क्या है, ये रहा 0 0 0, तो इसकी जो डिस्टेंस है कहां से, ओरिजिन से, वो क्या है, p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही वाली है ना, ये क्या है, p है। देखो अब आगे, अब क्या कह रहा है, इफ द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC, यानी कि टेट्राहेड्रन बन गया ना ये, तो इसको तो ये तो क्या है, प्लेन, और नीचे पॉइंट क्या है, वो तो ऐसे बन गया ना, एक टेट्राहेड्रन बन गया। अब क्या कह रहा है, ये देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड अपने को निकालना है, सेंट्रोइड का लोकस गिवन है अपने को, क्या ये, तो कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो पहले काम क्या करूं मैं, इंटरसेप्ट मान लूं मैं, ये इंटरसेप्ट मान लिया ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास ए 0 0 0 b 0, और ये आ जाएगा 0 0 c, और ओरिजिन की क्या हो गया 0 0 0 हो गया। अब आगे चलते हैं, अब अपने को क्या गिवन है कि जो ये प्लेन है वो कितने डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, p डिस्टेंस पर, तो किसी भी पॉइंट से किसी भी प्लेन की जो डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं अपन, उस पॉइंट को उस प्लेन में पुट कर देंगे आप, तो प्लेन क्या आ गया, प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले, तो फिर प्लेन की इक्वेशन आपको पता है x upon a plus y upon b plus z upon c, आपको याद होनी चाहिए इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, तो इंटरसेप्ट फॉर्म है इसकी प्लेन की। अब इस प्लेन की डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से, p, अब निकालो 0 0 0 हो गया वो, तो ये -1 अपॉन में
अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर ही आ गया। और ये कितना दे रखा है अपने को पी। तो एक काम करो सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो रेसिप्रोकल कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 अपॉन पी। अब ये रिलेशन को तो रख लो साइड में। अब वो क्या कह रहा है, लोकस दे रखा है अपने को, क्या कह रहा है, इफ द लोकस ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का लोकस, तो लोकस ऑफ सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड को क्या मान लो आप, अल्फा कॉमा बीटा मान लो, है ना, वहां क्या मानते थे अपन h कॉमा k, यहां अल्फा कॉमा बीटा मान लो। सेंट्रोइड क्या होगा, अल्फा इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो ये आ जाएगा a/4, अगला बीटा इक्वल टू b/4 और लास्ट आ जाएगा z, और गामा इक्वल टू c/4। अब आपको अल्फा बीटा गामा में क्या चीज रिलेशन रिलेशन चाहिए उसके लिए, तो आप a b c की वैल्यू को पुट कर दो उसमें, तो a की वैल्यू 4 अल्फा 4 बीटा 4 गामा, तो जब ये पुट करो 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 बीटा स्क्वायर प्लस 16 गामा स्क्वायर, 16 गामा स्क्वायर, तो 16 को इधर भेजोगे तो आगे 1 अपॉन 16 अपॉन पी स्क्वायर। तो जब आप ये आपका रिक्वायर्ड लोकस है, और ये अपने को गिवन क्या था x की पावर माइनस, कंपेयर करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है 16 आ जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू 16 आने के बाद 16 का 160 * 16 कितना आ जाएगा, 16 गुणा 16 256 0, तो 2560 इसका आंसर क्या आएगा 256। यस सर, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस कॉमा दिस टू द लाइन पॉइंट ऑफ दिस पार्ट, क्या मीनिंग है, देखो आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिस पे टू पॉइंट है, मतलब एक लाइन सेगमेंट इन टू पॉइंटों से फॉर्म की गई है, फॉर्म 1, -1, 3 एंड इसको पी लेट कर देते हैं, और ये पॉइंट टू है आपको लेट ऑफ 2, -1, 3। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ दिस पार्ट ऑन द लाइन सेगमेंट, मतलब इस पी क्यू लाइन का आपको सेकेंड लाइन सेगमेंट पे क्या बताना है, प्रोजेक्शन निकालना है, और ये पॉइंट गिवन है -1, -2, -3 एंड 3, ये गिवन है आपको 3, -2, -10। अब एक सिंपल सी बात है सुनो, आपको इस PQ का इस लाइन एंड पे करना है प्रोजेक्शन, तो जब भी PQ लाइन का एक लाइन का सेकंड लाइन पे क्या करना है प्रोजेक्शन, उसका क्या ऑप्शन है, सिंपल ऑप्शन है कि जिस लाइन का आपको क्या चाहिए प्रोजेक्शन, उससे आप क्या करो उस सेकंड लाइन पे क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो जो ये डिस्टेंस है दिस इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ये आपका क्या होगा लाइन प्रोजेक्शन, इसको लेट कर देते हैं RS। तो अब ये फॉर्मूला है आप याद रखें कि ये टू पॉइंट्स आपको गिवन है, ये मैं लिख देता हूं आपको इधर से कि लेट ये एक लाइन L है और ये पॉइंट है PQ, PQ तो पॉइंट है X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2, और इस लाइन के आपको DRS गिवन है, तो देन प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन लाइन L1 इज X2 - X1 (L) + Y2 - Y1 (N), और Z2 - Z1 (N), ये फॉर्मूला, मतलब सिंपल सी बात ये कि जिस लाइन का प्रोजेक्शन चाहिए उसके तो दोनों पॉइंट पता होने चाहिए आपको, और जिस लाइन पे निकालना है उसके आपको एलिमेंट पता होने चाहिए, तो देन उनका क्या कर दो मल्टीप्लाई, L (X2 - X1) + M (Y2 - Y1) + N (Z1). अब इसका डेरिवेशन है, टाइम वेस्ट होगा उसमें, तो देखो इस रिक्वायर्ड इसमें पुट करोगे तो क्या आ गया, देखो सबसे पहले इस डीआर निकाल लेंगे, तो देखो इसके एबीसी तो क्या होंगे, देखो 3 + 1 = 4 - 2 - 2 = -4 और 10 - 3 = 7। यस सर, बिल्कुल सर, 3 - 1 = 4 - 2 - 2 = 4, ये इस लाइन एल के एबीसी है, तो देन एल का फॉर्मूला क्या होगा, a अपॉन रूट सिग्मा एस पर, तो ये आ गया 4 √16, 32 और 49 कितना आ गया 81 आ गया, तो सिंपल 9 आ गया, सिंपल आ गया, ये आ गया 4 / 9। सिमिलरली m कितना होगा -4 / 9 और सिमिलरली n होगा 7 / 9, ये एलिमेंट पता है, ये आपको पॉइंट पता है, तो देन अप्लाई कर देंगे प्रोजेक्शन इन l 4 / 9 x2 - x1, तो 2 - 1 = 1, m -4 / 9 और अगेन
माइनस फोर माइनस वन तो माइनस के थ्री आ गया, प्लस एन इंटू तो एन आपका सेवन अपॉन नाइन है, जेड टू माइनस जेड वन तो इलेवन माइनस थ्री इज एट होगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आने वाला है, नाइन आप एलसीएम ले सकते हो, तो फोर प्लस ट्वेल्व 56, तो कितना आ गया देखो 12 और 4 16 72 72 अपॉन 9 ठीक है, तो देन सॉल्व करने पे क्या आ गया 8। इसका PQ लाइन का PQ सेगमेंट का लाइन एट पे प्रोजेक्शन की लेंथ क्या होगी 8 आंसर आ गया बिल्कुल। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। हां देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन 23x - 10y - 2z प्लस 48 बराबर 0 एंड द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो अपने को क्या करना है, एक प्लेन दे रखा है और एक दूसरा प्लेन है जो इन दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस जो है वो कितनी है अपने पास, के अपॉन में रूट ऑफ 633। तो कह रहा है कि बताओ के की वैल्यू क्या होगी, तो पहले क्या बोल आपको इन दोनों लाइनों को कंटेन करने वाले प्लेन प्लेन की क्वेश्चन निकाल देते हैं। तो एक काम करते हैं, या तो अपन सिंपल ये मेथड भी लगा सकते हो, देखो ऐसा करते हैं, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, जब भी आपको दो लाइन गिवन है और बहुत आर लाइन इन दी सेम प्लेन और आपको क्या करनी प्लेन की क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का सीधा फॉर्मूला है x - x1 y - y1 z - z1। जैसे कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी क्या पढ़ते हो आप, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो इससे सिंपल हो जाएगा सर, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो जब भी आपके पास दो लाइन है और वो एक प्लेन में लाई करती हैं, तो उससे प्लेन की क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, इस पे पॉइंट पता है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो किसी भी एक पॉइंट को लेट करो तो उससे प्लेन क्या होगा, ax - x1 y - y1 z - z1, और इस नॉर्मल के एबीसी को इसके एबीसी से मल्टीप्लाई करोगे तो उनका डिटरमिनेंट जीरो क्या आ गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो आप सारी वैल्यूज पुट कर दो तो देन वी गेट इक्वेशन ऑफ द सेकंड प्लेन और बाद में पैरेलल डिस्टेंस के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं चाहे तो कि इसका अपन क्या करें, ये दोनों लाइंस एक प्लेन में, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा तो वो क्या होगा, वो पॉइंट आ जाएगा उस प्लेन में, अब उस पॉइंट से अपन सीधा डिस्टेंस निकालते हैं, ये भी कर सकते हो आप, तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, ये काम भी आप कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है ना, तो उससे भी हाँ, तो कुछ भी कर लेना चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर इसको लैम्ब्डा और उसको म्यू मानकर अपना ऐसे भी कर सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के दो लाइन का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। अब इससे जो प्लेन है और ये प्लेन है वो दोनों पैरेलल है, जब भी आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट की जब इस प्लेन से क्या करोगे डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो वो सेम प्लेन से प्लेन जाएगी, एक बार आ जाएगा, तो उससे सीधे फॉर्मूले से कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूं आपको क्या करना है आपको, तो ये आ जाएगा पॉइंट क्या आ गया, तो जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं फटाफट से अपन, 2λ - 1 पी पॉइंट मान लेते हैं 2λ - 1 कॉमा 4λ + 3 4λ + 3 3λ - 1 यस सर, और जो दूसरा दूसरे वाले का वो भी पी पॉइंट हुआ है, पी डैश मान लो, लेकिन देवी कौन साइड है ना, -3 2μ - -3 कॉमा 6μ - 2 एंड लैम्डा, अच्छा आपने लैम्डा को मान लिया ना, तो उसका कुछ और मान लो है ना, इसको लैम्डा 1 कर देते हैं, या तो अपन लैम्डा 1 कर दो, लैम्डा 1 कर दिया, तो ये क्या आ गया λ (μ) + 1 ये आ गया, ठीक है चलो आगे, तो अब क्या करो कंपेयर कर लो आप, कंपेयर करो क्या हो जाएगा, 2λ - 1 इक्वल्स टू कितना गया, 2μ - 3 2μ - 3 आ गया, और सेकंड एक और लिख लो 4λ - 1 + 3 इक्वल्स टू 6μ - 2 इनको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक काम करते हैं अपन 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूं मैं सीधे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस का 5, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस का 2μ, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस का 4। यस सर, तो यहां से आ गई म्यू की वैल्यू अपनी -1/2 यानी प्लस का हाफ हो जाएगा, बिल्कुल म्यू की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो लैम्डा 1 आ जाएगा, और फिर लैम्डा 1 को यहां पर ले आ गया 2λ - 1 - 1 = 2 2μ आपका 1 है तो -2 आ गया, -2 तो लैम्डा 1 आ गया सर -1/2 माइनस के हाफ, और सिंपल सी बात है देखो -1/2 यार अगर ये दोनों लाइन कट करती हैं तो ये दोनों पॉइंट सेम होंगे ना, तो आप जब इनको इक्वेट करोगे आप तो उससे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 3λ - 1 = λμ + 1, तो देखो लैम्डा 1 की वैल्यू तो गिवन है आपको -k/1/2 तो देन दिस इज -3/2 वैसे अपन को जरूरत पड़ेगी नहीं से लैम्डा की, हां अपन को ये पॉइंट मिल जाएगा डायरेक्ट है ना,
पॉइंट आ जाएगा सीधा, वैसे जरूरत भी नहीं इसकी है ना, जरूरत नहीं। आप सीधा लैम्डा न्यू की वैल्यू पुट करके तो पॉइंट लैम्डा 1 की वैल्यू यहां रख दो तो ये पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस सीधे निकाल सकते हैं, उससे आंसर आएगा है ना, पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस पता है। चलो तो उससे निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, थ्री लाइंस आर गिवन बाय दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। आपको थ्री लाइंस की इक्वेशन गिवन है, और ये जो लाइंस की इक्वेशन गिवन है आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है। इसका मीनिंग क्या है वो समझ लो पहले, कि एक लाइन है जो पॉइंट पी ए वेक्टर से तो पास होती है बेटा, और बी वेक्टर के क्या है पैरेलल। तो एक लाइन अगर पॉइंट ए वेक्टर से पास होती है बी वेक्टर के पैरेलल है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बिल्कुल बी वेक्टर। देखो जैसे ये फर्स्ट लाइन गिवन है, ये क्या है लैम्डा आई कैप, इसका मीनिंग ये 0 0 0 से पास होती है आई कैप के पैरेलल है। ऐसी अगली ये होगी अगली दिस। अब क्या बोला गया, थ्री लाइंस कट दी प्लेन दिस कॉमा दिस कॉमा दिस एट थ्री पॉइंट एबीसी। तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट लाइन है और ये प्लेन है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आप फाइंड आउट करो। तो देखो एक काम करें, इस लाइन को फटाफट पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 0 0 से पास होगी और इसका drs क्या होगा 1 0 0। तो देन इक्वेशन है x upon 1 equal to y upon 0 equal to z upon 0, इससे फटाफट हो जाएगा। और ये आपके पास लाइन है l1, ये प्लेन को क्या करती है इंटरसेक्ट। तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट चाहिए ना, तो इस लाइन से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेट करो, और बाद में ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर देंगे इसको, सेटिस्फाई प्लेन को। तो सिंपल क्या आ गया, r कॉमा 0 कॉमा 0 0। तो देन इस प्लेन में पुट करोगे आर की वैल्यू 1, आर आपका 1 आ गया। आर 1 आने के बाद आर को 1 लोगे आप, तो इससे आपको पता चल गया कि पॉइंट ए आ गया 1 0 0 0। सिमिलरली जब आप म्यू की बात करोगे तो उसमें क्या करोगे, समझ लो म्यू लोगे तो इधर अगेन 1 आ गया, 1 आ गया तो ये भी आर आ गया, तो सिंपल 2r = 1 आ जाएगा। तो आर आ जाएगा आपका 1/2। तो देन पॉइंट बी क्या होगा, 1/2, 1/2, 0 0। अरे समझो ना, जब आप म्यू में ए और बी आपके 1 है सी 0 है, तो 1 1 0, तो पॉइंट आ गया आर आर 0, पुट करोगे तो 2r = 1, तो r = 1/2, तो पॉइंट दिस। सिमिलरली जब अगला मानोगे आर, तो अगला क्या होगा x/1 = y/1 = z/1, तो उससे आर आर आर, तो r/3, तो इससे जाएगा 1/3, 1/3, ये आपके पास 3 पॉइंट गिवन है। अब आपको इन तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया चाहिए। तो जब भी आपको 3D में एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का, तो सिंपल फॉर्मूला है हाफ AB क्रॉस AC। AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड। तो चलो एक काम करते हैं फटाफट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप AB क्रॉस AC की बात करो, तो AB क्रॉस AC क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ IJK। हाँ तो आई क्या होगा, देखो माइनस कर देते सिंपल, माइनस हाफ प्लस हाफ जीरो ना, फर्स्ट में सेकंड कर दो माइनस कर दे, कोई एक दिक्कत है, कोई एक क्या करना बोलो, 1/2 - 1/2 जीरो, और एसी करोगे तो अगेन 2/3 माइनस के 1/3 और माइनस के 1/3 आ गया। तो देखो क्या करना है इसमें, इसमें से अपॉन में 2 कॉमन आ गया, इसमें अपॉन में 3 कॉमन आ गया, सर 1/6 तो आ गया कॉमन, तो अगेन लिख देते हैं आई कैप जे कैप के कैप, और ये आ गया 1 - 1 0 एंड 2 - 1 2 - 1 और -1। ये सिंपल, तो सिंपल करने पे आ गया 1/6 तो बाहर है, आई कैप के रिगार्डिंग आ गया आई कैप 1 माइनस जे कैप लिखोगे तो माइनस 1 तो प्लस जे हो गया, और माइनस के कैप कर लेते हैं एक बार, तो माइनस 1 + 2 + 2 तो 1 ही आ गया, प्लस लगे कुछ भी आ जाओ उसमें स्मॉल इनटू कितना है √3, तो ये आ गया √3/6, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आ गया √3/6, तो देन आपका डेल्टा आ गया 1/2 √3/6, तो देन डेल्टा ये हो गया √3/12। क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो देख लेते हैं, 6 डेल्टा का स्क्वायर। तो देखो जब आप क्या करोगे, 6 डेल्टा का होल स्क्वायर, तो 6 डेल्टा कितना आ गया,
रूट थ्री बाई टू, ये आ गया रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, तो देन सोल्व करने पे क्या जाएगा सर ये थ्री बाई टू बाई, ये वैल्यू होगी 0.75 का आंसर फिल करना अपन को, और ये आई आई टी जी का क्वेश्चन है, आई आई टी जी में। चलो बेटा थैंक यू।